हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ हमने जीरो बजट में अपना किचन गार्डन तैयार कर रखा है और हर रोज़ सुबह सुबह मैं ताज़ा सब्जियाँ यहाँ से लेके जाती हूँ, उनकी हार्वेस्टिंग करती हूँ और दोनों टाइम की सब्जी हमें आसानी से यहाँ मिल जाती हैं। तो दोस्तों, मैं जब भी सब्जी लगाती हूँ, एक साथ दो सब्जियाँ लगाती हूँ। इधर मेरे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और साथ में इधर मैंने साग के लिए सरसों उगा रखी है, पूरी हमारी लग रही है बहुत अच्छे से। एक साथ अगर आप दो प्लांट्स लगाते हैं, अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा हमारा हरा भरा रहता है और हरियाली हमारे इस गार्डन में बनी रहती है। जैसे यहाँ बैगन के प्लांट्स के साथ मैंने धनिया भी लगा दिया, तो हमारा जो पहले वाला धनिया जैसे ही खत्म होता है तो नया धनिया हमारे लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एक साथ आप दो सब्जियां जरूर लगाए और ये बहुत अच्छे से चलती हैं। ये वेस्ट पोली बैग से मैंने यहाँ पे ग्रो बैग बनाकर इसमें हरी मिर्चियाँ लगा रखी हैं और आप देख रहे हो बहुत सारी हरी मिर्चियाँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो ये जरूर नहीं कि हमें गार्डनिंग के शौक के लिए पहले खर्चा करना होगा और फिर हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गार्डनिंग का शौक रखते हो तो आप जरूर शुरू करें, इससे हमें हमारे पर्यावरण को बचाने में भी मदद मिलेगी, दूसरा हमें ताज़ा सब्जियाँ मिलेंगी, ऑर्गेनिक और सीधी सब्जियाँ मिलेंगी। इधर हमने पुदीना लगा रखा है। अब सर्दी के मौसम में आपको मार्केट में पुदीना नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे घर में तो पुदीना लगा हुआ है, तो मुझे जब जरूरत होती है तो मैं यहाँ से पुदीने की पत्तियाँ ले सकती हूँ। यहाँ खाली बोतलों में मैंने मेथी लगा रखी है, इधर प्याज लगे हुए, तो ये बोतल के अंदर हमने यहाँ लगा रखी है। इधर हमने ग्रो बैग बनाकर और इसमें मेथी लगाई हुई है, इधर बहुत सारी हरी सब्जियाँ लगी हुई हैं मिक्स करके, और एक साथ हम काफ़ी सब्जियाँ भी मिलाकर एक साथ लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी रहती है, सर्दियों में इनका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। कल जो हमने पोली बैग से ग्रो बैग बनाए थे उनमें सभी प्लांट्स हमारे देखो कितने अच्छे से लग गए हैं, कल बारिश भी आ गई थी तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इधर हमने अजवाइन लगा रखी है, अजवाइन को अगर हम लोग ये औषधीय पौधा उस तरह से अगर हम परांठे वगैरह में डाल सकते हैं, पकौड़े वगैरह में डाल सकते हैं, तो घर में अगर हम पोली बैग में भी इसको आराम से लगा सकते हैं। बिल्कुल इसमें ये नहीं कि हम गमला वगैरह लेंगे, तो मैंने गमले में लगाई हुई है आप देख रहे हो, और इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छे से है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ है इसकी, तो इसको आप पकौड़े वगैरह में डाल सकते, बहुत अच्छी रहती है। और ये जो पालक का पेड़ है ये मैंने मई जून में लगाया था और इसको बहुत दिन हो गए और इसमें से खूब हमने पालक की पत्तियों की हार्वेस्टिंग की है और अभी देखो पौधा कितने अच्छे से हमारा खड़ा हुआ है। ये हमने किचन के बीजे से यहाँ चने ग्रो कर दिए हैं और हमारे चने देखो कितने अच्छे से साग के लिए तैयार हो गए हैं। इधर हमने प्याज, ये भी हमने किचन से लिए, तो ये भी हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर धनिया तो मैं जहाँ मर्जी लगा देती हूँ और इसको हर मौसम में लगा सकते हैं, अगर आपके मकान में धूप नहीं आती तो भी आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं आराम से। और धनिया के साथ मैं अजवाइन भी हर जगह लगा देती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो जाती है और वैसे भी औषधीय पौधा अच्छा रहता है और बीज भी हमें किचन से मिल जाते हैं। इधर हमने दाना मेथी से काफ़ी सारी मेथियाँ ग्रो कर रखी है, तो ये भी नहीं हमें बीज लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध है। दूसरे इधर प्याज के साथ साथ मैंने इधर सौंफ भी उगा रखी है, छोटे छोटे जो पेड़ है वो सौंफ के लग रहे हैं और ये भी मैंने किचन से ही बीज लिए हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे बीज तो हमारे किचन में ही होते हैं, इनके लिए हमें बिल्कुल भी ये नहीं कि हम मार्केट से बीज लाएंगे तो हम इन्हें ग्रो करेंगे, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।